नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर प्रयागराज कोराव से, आवासीय पट्टे के कब्जे को लेकर चले लाठी डंडे। आपसी जमीनी विवाद के चलते मांडा थाना के अंतर्गत ग्राम बेलहा कला तहसील कोराव जनपद प्रयागराज के आवासीय पट्टा को लेकर शेष कुमार पुत्र राधिका प्रसाद, बाल गोविंद पुत्र स्वर्गीय चंद्रिका प्रसाद, भगवती देवी पत्नी राधिका प्रसाद, रामकली पत्नी स्वर्गीय चंद्रिका प्रसाद, सविता देवी पत्नी बाल गोविंद, सुमन देवी पत्नी राजेश्वरी प्रसाद, बबीता देवी पत्नी शेष कुमार तथा वीरेंद्र की पत्नी का नाम अज्ञात के द्वारा ग्राम बेलहा कला के आराजी संख्या 59 लगभग 2 विश्वा आवासीय पट्टे के लिए शासन प्रशासन द्वारा 29 वर्ष पूर्व में मिला था, जिसे गांव के दबंग व्यक्तियों के द्वारा उपयुक्त लोगों के रहस्य मढ़ा में आग लगा दिया गया और धारदार हथियार कटवासा और लाठी डंडे से हमला कर दिया गया, जिसकी सूचना पीड़ितों ने थाना मांडा को दी, जिसमें तनु भुर्तिया पुत्री शेष कुमार को वीडियो बनाने के जुर्म में महिला सिपाही के द्वारा जड़ा गया थप्पड़ और पुलिस उठा ले गई। थाने में धमकी देकर वीडियो कराया डिलीट तथा मौके पर तहसीलदार कोराव अनीता हल्का लेखपाल राजस्व निरीक्षक के द्वारा किसी तरह मामले को कराया गया शांत। पीड़ितों के तहरीर पर थाना मांडा में प्रथम सूचना रिपोर्ट में विपक्षी गण के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 323, 506, 504, 307, 429 IPC के अंतर्गत चालान किया गया। प्रयागराज से कैलाश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बताते भी हैं कि 30 साल से हमारे पापा, हमारे बब्बा जी यहीं पर रहते हैं, पर ये लोग इस जमीन पे जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। और जहाँ पे कानून को लेखपाल सब लोग आए थे और वहाँ पे खड़े होकर सब लोग हमारी जमीन पे कब्जा करवा रहे थे, और ये लोग सब लोग जबरदस्ती धमकी, पूरे गांव वालों को धमकी देते हैं कि अगर जो इसकी सहायता करेगा हम सबको मरवा देंगे, सबके घर उधरवा देंगे, ये सब लोग धमकी देते हैं। और इसमें सबसे उनके पुत्र सत्यदेव भुर्तिया जो है, उन्हीं का हाथ है इस सब में, और उनके बेटे सुरेश कुमार जो EMI है, इस सब के पीछे उन्हीं का हाथ है। सब लोग हमारे घर में आए, हमारे घर में आग लगा दिए और बोले कि जो इनकी सहायता करेगा सबका घर जला देंगे, और बोलते हैं कि JCB से सबका घर उधरवा देंगे इस घर में जो सब लोग इनकी सहायता करेंगे। सब यही सब धमकी देते हैं। राम अवध पुत्र सत्यदेव भुर्तिया आए हमारे घर में मिट्टी का तेल डाले, और दिनेश कुमार पुत्र सत्यदेव भुर्तिया उसमें आग लगा दिए। खड़े होकर सब लोग तमाशा देख रहे थे, पर कोई गांव वाले इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि जो आकर हमारी सहायता कर दे। सबको ये लोग धमकी देते हैं कि जो लोग भी इनकी सहायता करेंगे हम सबको मारेंगे पीटेंगे, यही सब धमकी देते हैं। कोई इन लोगों की दहशत से कोई हमारी सहायता नहीं करता है। ये चीज बताइए, तहसीलदार जी आई थी? हाँ, तहसीलदार जी आई थी हमारे सामने। वो बोल रही थी कि तुम लोग चुप रहो, हमारे पापा कागज भी दिखाए पर वो देखी नहीं, और फिर जबरदस्ती वहाँ पे कब्जा, खड़ी होकर कब्जा कराए। तहसीलदार, कानून को लेखपाल सब लोग आए थे वहाँ पे, खड़े होकर कब्जा करवा रहे थे और हमारे घर वहाँ से हटवा रहे थे। या पट्टे की जमीन थी तो क्या उसने दिखाया नहीं उसको कोर्ट? हमारे पापा लेकर गए थे दिखाने के लिए पर वो देखी नहीं, कागज लिए हाथ में और फेंक दी और बोली ले जाओ इसे, हम यहाँ कुछ नहीं देखेंगे। सब लोग पैसे ले, वो लोग पैसे दिए हुए थे, सब लोग पैसे पे आए थे, पैसे लेकर और ये सब काम करवाए हैं। ये चीज बताइए, ये तुम्हें किसी थाने पे ले गए थे? हमें लेकर गए थे जो लोग ऐसा काम कर रहे थे, मैं वीडियो बनाई थी इसलिए वो लोग मुझे थाने पर ले गए और जबरदस्ती हमारे मोबाइल से वीडियो डिलीट करवा रहे थे। मैं नहीं बोल रही थी, फिर लेकर गए उस थाने में जहाँ सब लोग कैदियों को बंद करते हैं, वहाँ पे लेकर गए और मुझे एक चाटा भी मारे भी थे। वो जो संजू कुशवाहा और आरती है वो लोग लेकर गए थे, हमें वहाँ पे मारे भी थे और मेरे मोबाइल से जबरदस्ती वीडियो डिलीट करवा दिए। और फिर भी आपका नाम क्या है? सुमन देवी। आपके पति जी का नाम? राजेंद्र सर। आप वहाँ कब पहुँची हैं? आधी लड़ाई हो गई तब, उसके बाद आप पहुँची हैं? हाँ। जल्द गई हैं तो आप उसमें क्या क्या हुआ फिर उसके बाद? हमारे गए पर मार पीट, मड़ई सड़ई उदारना चढ़ाना, यह फौदारी मार गार मारी, मार पिटाई है मचाए रहे, उठाए उठाए गेंदा लेके गेंदा कसम खेम चल के मचके देते रहे, डंडा लाठी से फौदारी है मचाए रहे, मारता है ये करत रहे। उसमें मर्द थे कि औरतें थी? 11 लोग मर्द थे।
11 लोग हाँ 11 आदमी रहे हमरे गए पर 11 आदमी रहे और 5-10 ठे औरत रहे। तो आप लोगों ने कुछ साहस नहीं किया फिर करा काहे नहीं साहब हमसे जितना बना हम अपन करत रहन मौर फौदारी हम अपन बचावत रहन जान उठा उठा गेंदा कसम के चनकी लुका लुका मच के देत रहे हमार चिक्का कमनो गिनती हमें चिक्के के रहबे नहीं रहे। किसी को ज्यादा चोट तो नहीं आई थी? आई रही चोट सास के हमारे अंगूरी टूट गई बा गाय फट गई बाटे मुड़ है संचे गुलौरा कढ़ी आई रहा सब। तो उनको इलाज कराया गया सीधा जेल ले गए? सीधा जेल ले गए साहब इलाज नहीं करवाए जेल कोई जेल कौनो सुनवाई नहीं पकड़ के जबरदस्ती लाद लूद के लेके चला चल रहे। दुर्गा जी भी आए थे साथ में? हाँ दरोगा जी रहे। दुर्गा जी ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया साहब कुछ।